बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इन तस्वीर को देखा होगा। ये तितलियों की तरह की तस्वीर हैं और इनके जो चेहरे हैं वो इंसानों के जैसे हैं। इन तस्वीर के बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि जहन्नम गुजरात में ये पाई गई हैं, अल्लाह का अज़ाब है, ये इंसानी शक्ल में तितली नुमा मखलूक इंसानों के ऊपर हमलावर है, बराए मेहरबानी अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही ये कहकर भी शेयर किया जा रहा है कि चार सदा के इलाके दौलतपुरा में अजीब मखलूक देखी गई है जो कि मुर्दा हालत में पाई गई है, या अल्लाह हम सब मुसलमानों के ऊपर रहम फरमा। ऐसे एक ऑडियो पैगाम भी इन तस्वीर के साथ में शेयर किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो अजीब गरीब मखलूक है इसने हमला कर दिया है और बच्चों को ख़ास तौर से निशाना बना रही है और बाद ज़ख्मी बच्चों की तस्वीर भी शेयर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इन ज़ख्मी बच्चों के ऊपर इन्हीं मखलूक़ात ने, ये जो अजीब गरीब मखलूक है इसी ने हमला किया है। और ये भी कहा जा रहा है ऑडियो में, बाकायदा बयान है वो तो एक, कि कोई आर्मी नौजवान था उसके ऊपर भी इस मखलूक ने हमला किया जिसके नतीजे में उमर गया वगैरह वगैरह। और शायद आपने सोशल मीडिया पर लोगों को सुभान अल्लाह माशाल्लाह लिखकर इन तस्वीर के ऊपर शेयर करते हुए भी देखा होगा, जो ये ख्याल करके कि ये तस्वीर सही हैं, किसी कोई अजीब गरीब मखलूक है, इस ख्याल से वो शेयर कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये तस्वीर जो है दर हकीकत ये अभी की नहीं है, बहुत पुरानी तस्वीर है। इससे पहले इस दावे के साथ इन तस्वीर को शेयर किया गया था 2022 के अंदर कि ये अमेरिका के अंदर एक अजीब गरीब मखलूक देखी गई है, इस तरह की मखलूक पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं पाई जाती है। बहरहाल तरह तरह के दावे इन तस्वीर के साथ में हैं, लेकिन ये जितने भी दावे हैं वो सबके सब बेबुनियाद हैं, ये कोई मखलूक नहीं है। दर हकीकत ये फेक तस्वीरें बनावटी हैं और उनको बनाया गया है। फेसबुक पर एक पेज है जिसका नाम है मैजिक विदिन, जिसके तकरीबन 31,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये वो शख्स है कि जिसने, अगर आप उसके पेज पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी इसी तरह की तस्वीर मिल जाएंगी, बहुत सारी इसी तरह की अजीब गरीब तस्वीर जिनमें अजीब गरीब चेहरे बने हुए हैं, अजीब गरीब हाथ बने हुए हैं, इस तरह की बहुत सी तस्वीर जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगी। तो दरहकीकत ये सारे की सारी तस्वीर इसी शख्स की बनाई हुई हैं जिसका ये पेज है मैजिक विदिन के नाम से। और इसने इस बात की सराहत भी की है अपने पेज के ऊपर कि सम ऑफ़ माई पिक्चर ऑफ़ द फेरी फॉग आर मिसअंडरस्टूड, कि मेरी कुछ वो तस्वीर जो परियों से मुतालिक थी उनको गलत समझ लिया गया है। और फिर आगे उसने ये भी बताया कि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे इन तस्वीर को मैं बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें उसने बता रखी हैं। तो हासिल ये है कि ये कोई न मखलूक है और न कहीं हमले हो रहे हैं। जो बात कही जा रही है ऑडियो के अंदर या लिख लिख कर जो शेयर कर रहे हैं कि हमला हो गया फलां जगह पर, ये सब झूठी बातें, कोई इनकी हकीकत नहीं है, ये बनावटी और फेक तस्वीर हैं, बनाया इनको गया है। और ये अभी की तस्वीर नहीं है, बहुत पुरानी है, सबसे पहले 2020 में, फिर उसके बाद 22 में, फिर अब इनको जो है शेयर किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि बात वादे हुई होगी। तो इन तस्वीर को ये इस ख्याल करके कि कोई अलग से कोई मखलूक है, हरगिज़ हरगिज़ इनको शेयर ना करें। ये बातें मैंने इसलिए रज़ करती इसलिए कि इन तस्वीर से मुतालिक सवालात आ रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।